फ्लेम और शोरे की मार से किसानों के चेहरे मुरझाए। 80 से 85 एकड़ करबा हुआ पूरी तरह प्रभावित। सौनी की फसल के साथ हाड़ी की फसल से भी किसान पछड़ा। किसानों ने की गिरदावरियां करवा मुआवजा दिए जाने की मांग। पिछले कई सालों से कभी सूखे की मार और कहीं ओलों की मार बर्दाश्त कर रहा पंजाब का अन्नदाता कहलवाने वाला किसान कुदरती मार बर्दाश्त करता रहा है, तो अब मामला सामने आया है फरीदकोट के गांव डगो रोमाना का, जहां सेम और शोरे की मार के कारण 80 से 85 एकड़ क्षेत्रफल में लगी फसल सेम और शोरे के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सेम और शोरे की मार कारण खेतों में बड़ी मात्रा में ठहरे पानी के कारण जहां अब लगी हुई फसल खराब हुई है, वहीं अब इस धान की फसल से भी पछड़ जाएंगे, जिससे किसानों के चेहरे भविष्य को लेकर मुरझाए हुए हैं। गांव डगो रोमाना के सेम और शोरे की मार कारण खराब हुई धान की फसल के बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता दिलीप सिंह ने कहा है कि गांव डगो रोमाना पिछले कई सालों से सेम की मार के नीचे है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रही हैं, परंतु किसानों की कभी किसी ने सार नहीं ली है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल की फीस ना भरे जाने के कारण उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे, अब उनको भी पढ़ने से हटा लिया गया है। इन किसानों ने जिले के डीसी को मांग पत्र देकर गिरदावरियां करवा कर मुआवजा देने की मांग की है। मैं अमरजीत सिंह रमाणा पिंड गुरमाने दे साडा जिहड़ा असीं सेम एरिए नाल प्रभावित पिंड है। साडा इह पिंड वट्टू ते डगुरमाने दी हद ते साडे खेत हन। सानू 40 साल हो गए, 70 तो लैके इत्थे कुछ नहीं होया ना। साडे एरिया सेम एरिए च आधारित कीता गया। जे सानू कोई मोटर लाउणी है, साडे लख रुपए लगदी है, मुक्तसर च 18,000 च लगदी है। साडे जिहड़ा गौरमेंटी रेट आ पैली दा, उह वी 12.5 लाख किले दा है, जो कि साडी जमीन कोई 5-7 लाख लैण च वी नहीं किले च कोई राजी होया। आ झोने दा सानू लवाई खर्चा कणक तों वी असीं बेवांझे हो जाने आ। गौरमेंट नूं असीं अपील करदे आ वी साडी सुनवाई कीती जावे ते सानू मुआवजा जां कोई साडा सेम एरिया घोषित करके कोई हल कीता जावे, झोने दी मंजूरी दित्ती जावे। होर असी ये साडियां जद्दी जायदादां कोई असी मुल नहीं खरीदियां, असी 40 साल तो इस चीज़ का संताप भोग रहे हैं। होर साडे इस एरिए च 2 सेमनाले सी, 1 सेमनाले च बन्न ला के साडे एरिए च फिर पानी छड्डिया गया। असी इस तों बहुत प्रभावित होए हां। इस संबंध में जब जिले के डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेम और शोरा कुदरती आपदाएं हैं। इस संबंध में यूनियन सदस्यों की तरफ से उनको एप्लीकेशन भी आई थी, जो उनकी तरफ से जिला मॉल ऑफिसर को भेजकर कार्रवाई करने के लिए कहा। इस संबंध में जब जिले के डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेम और शोरा कुदरती आपदाएं हैं। इस संबंध में यूनियन सदस्यों की तरफ से उनको एप्लीकेशन भी आई थी, जो उनकी तरफ से जिला मॉल ऑफिसर को भेजकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। देखो ये सेम या शोरा तो कुदरती आफता है, किसी की जमीन जो खराब हो गई है तो ये बारे मेरे को कल एप्लीकेशन भी आई थी। रादर कुछ मैंबर्स ऑफ द यूनियन मेरे दफ्तर एप्लीकेशन लैके वो मैं जिला माल अफसर को भेजी है भी ये इस एप्लीकेशन के उत्ते जो भी साड़िया रेवन्यू डिपार्टमेंट ददायत हैं और हिसाब न करा के सॉर्ट आउट किया जाए। फरीदकोट से शरणजीत की रिपोर्ट।